अच्छा आज ये लौकी देख के ना बहुतों के नाक मुंह चढ़ जाएंगे, क्योंकि जनरली लोगों को ना लौकी इतनी खास पसंद आती नहीं है। मेरे भी घर में बहुत सारे लोग हैं जिनको लौकी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सनली मुझसे पूछे ना तो मुझे लौकी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और एक बार आप ना आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा, सीरियसली इतनी सिंपल सी रेसिपी इतनी कमाल की बनती है ना। अच्छे तरीके से धोकर छील लेंगे और उसके बाद रफली चॉप कर लेंगे, फिर डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और फिर साथ में मैंने एक चम्मच डाला है यहाँ पे भुने चने का बेसन यानी कि सत्तू। आप चाहे तो नॉर्मल बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे, बेसन लौकी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा। इसके बाद कुकिंग स्टार्ट करेंगे आज प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में मैंने सबसे पहले डाला है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने, सरसों का तेल, क्योंकि मैं मेरे घर में यही यूज करती हूँ। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हींग, जीरा, साथ ही में मैंने यहाँ पे डाले 2 तेज पत्ते और खुशबू के लिए बड़ी इलायची और दालचीनी। साथ में मैंने हरी मिर्च भी इस तरीके से स्लिट करके डाल दी। उसके बाद मैं प्याज लहसुन वगैरह आज नहीं डाल रही हूँ, सीधा टमाटर डालेंगे रफली चॉप करके, आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और टमाटर के गलने तक हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जैसे ही हमारे टमाटर यहाँ पे पक जाएंगे उसके बाद हमने डाला यहाँ पे घर का बना हुआ फ्रेश दही, सिर्फ 2 चम्मच, क्योंकि दही की खटास ना बहुत कमाल का टेस्ट देती है। और फिर ना दही डालते टाइम ध्यान ये देना है कि गैस को बिल्कुल सिम कर देना, अगर तेज पर डालेंगे तो दही फट जाएगा। और अच्छे से 1-2 मिनट के लिए दही को भी पका लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी लौकी थी वो लौकी ऐड कर देंगे डायरेक्टली। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालना चाहें तो रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट डालना चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं थोड़ी इसको ग्रेवी वाली बना रही थी तो मैंने यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा डाला। अगर आप थोड़ी सी मतलब सूखी वाली बनाना चाहते हैं तो पानी कम कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और विसिल लगाकर इसको पकने देंगे। 3-4 विसिल में आराम से लौकी बहुत अच्छे तरीके से गल जाती है। और उसके बाद ये देखिए ये कुछ कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ग्रेवी वाली सब्जी बनती है, सिंपल सी रोटी के साथ, सैलेड के साथ आप एक बार सर्व करके देखिएगा, मतलब मजा आ जाएगा। हर बार चटपटा खाना जरूरी नहीं है, कभी कभी सिंपल खाना भी बहुत कमाल का बनता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में